हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दूध के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे हेल्थ पे, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी को दूध पीने की एडवाइस दी जाती है। इसी तरीके से अगर हम दूध का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए करते हैं तो हमारे स्किन को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत होती है। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि दूध में ऐसा क्या मिला है और किस तरीके से हमें हमारी स्किन पे लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग बने और साथ ही साथ हमारी स्किन का जो कालापन है वो दूर हो के हमारी स्किन गोरी हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो जी डॉक्टर, हेलो। डॉक्टर हमें दूध में ऐसा क्या मिलाकर लगाना चाहिए या क्या डायरेक्ट हमें हमारी स्किन पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी स्किन है वो ग्लोइंग तो बने ही, साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन है वो काली ना हो, उसकी स्किन का कालापन दूर हो जाए और स्किन एकदम से दूध जैसे गोरी हो जी, जाए। दूध की हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जी पड़ता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, एंटी एजिंग गुण होता है, एंटी टेनिंग गुण होता है, जो हमारी स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, अंदर से नरिशमेंट देता है, अंदर से क्लीन करता है और दाग धब्बे मुहांसे उनको भी दूर करता है। साथ ही इसकी जो एंटी टेनिंग कैपेसिटी होती है वो इसको टेनिंग दूर करता है और स्किन को गोरी और बेदाग बनाता है। तो आपका जो सवाल है कि इसमें क्या मिलाकर लगाएं ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बन जाए, साथ ही गोरी बने, तो सबसे पहले मैं आपके साथ साथ हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये बात बता देना चाहूँगी कि अगर आपकी शेड, यानी कि अगर आपकी धूप में बाहर निकलने की वजह से आपकी स्किन काली पड़ गई है या फिर दाग धब्बों की वजह से स्किन, या किसी मेडिकली ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन है उस पर दाग धब्बे हो गई, झाइयाँ हो गई और उसके बाद आपकी स्किन डार्क हो गई है, तो ये वीडियो और ये जो नुस्खे मैं बताने जा रही हूँ वो 100% आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपकी जेनेटिकली स्किन डार्क है, यानी आपका कलर ही सांवला है और आप ये सोच रहे हो कि ये नुस्खे लगाते ही मैं एकदम से गोरा हो जाऊँ, तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, आपको बेनिफिट ज़रूर होएगा, आपकी स्किन 1 से 2 शेड लाइट हो जाएगी और धीरे धीरे अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी स्किन है वो लाइट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अगर आपकी स्किन एकदम से डार्क है, जेनेटिकली आप सांवलापन है आपका, तो एकदम से गोरा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की टेनिंग है उनको 100% ये इफेक्ट करेगा और जिनके टेनिंग नहीं है, सांवलापन है, वो धीरे धीरे स्किन को लाइट कर देगा। एक शेड से 2 शेड, 2 शेड से फिर 3 शेड, ये कंटिन्यूएशन पे आपको फर्क पड़ने वाला है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब दूध के साथ ऐसा क्या मिलाएं और कैसे लगाएं कि हमारी स्किन है वो ग्लोइंग हो, गोरी हो, टेनिंग दूर हो और खूबसूरत दिखे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। हमें सबसे पहली जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि जब भी आपको दूध अप्लाई करना हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि हमेशा कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। उबला हुआ दूध आपको अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपकी टेनिंग दूर नहीं होती। उबलने के बाद जो इसका गुण होता है, जो हमारी स्किन को अंदर से नरिश करने का जो कैपेसिटी होती है, जो इसके एंटी टेनिंग गुण होता है, एंटी एजिंग गुण होता है, वो खत्म हो जाता है। तो हमेशा कच्चा दूध ही हमें इस्तेमाल करना है हमारी स्किन के लिए। अब मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको यही है कि कुछ भी मत डालिए उसके अंदर, सिंपल आपको दूध लेना है और एक कॉटन की मदद से आप अपनी स्किन पर नॉर्मली अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में कुछ देर तक मसाज कीजिए और फिर 15 मिनट्स तक उसको ड्राई होने दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये तरीका हर कोई अपना सकता है, चाहे उसकी ऑयली स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की समस्या है, झाइयों की समस्या है, तो ये काफ़ी इफेक्ट करता है, काफ़ी फ़ायदा देता है। साथ ही अगर आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा स्किन रुखी रुखी रहती है, तो ये आपको मुलायम करने का काम भी करता है। अगर आपकी स्किन है वो टेनिंग हो गई है, टेन हो गई है धूप की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से डार्क हो गई है, या फिर आपकी स्किन किसी और मेडिकली ट्रीटमेंट की वजह से डार्क हो गई है, या आपकी स्किन सांवली है और आप चाहते हो कि आपकी स्किन गोरी हो, तो उसके लिए जो मैं तरीके बता रही हूँ उनको आपको आजमाने हैं। सबसे पहले पहला तरीका है दूध के साथ शहद का। शहद
एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। शहद अगर आप खाते हो तो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन है वो खूबसूरत और ग्लोइंग बनती है। तो अगर हम दूध के साथ शहद को मिलाते हैं और फिर स्किन पे लगाते हैं तो इसके जो गुण है वो दुगुने हो जाते हैं, और ये हमारी स्किन को लाइट करने का काम करती है, साथ ही ग्लोइंग और खूबसूरत बनाती है। आपको क्या करना है, 2 चम्मच दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, और 1 चम्मच शहद ऐड करना है। थोड़ा सा आप गुलाब जल है वो उसमें ऐड कर सकते हो, 3 से 4 बूंदे इनफ है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है, पर एकदम से थोड़ा सा, जैसे वो पेस्ट है ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, और एक नॉर्मल पेस्ट है उसको अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, और जब वो ड्राई हो जाए तब आप नॉर्मल पानी से फिंगर की मदद से कुछ देर तक मसाज करते करते उसको, जो आपने फेस पैक लगाया उसको निकाल दीजिए, और निकालने के बाद अपनी स्किन पर या तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, या फिर आप अगर दिन के समय लगा रहे हो तो आप सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग हो जाती है। आपको अगर आप फेशियल जैसा निखार पाना चाहते हो तो घर में ही आपको फेशियल जैसा निखार मिल जाता है, साथ ही आपकी स्किन के दाग धब्बे मुहांसे दूर होते हैं, ओपन पोर्स की समस्या ठीक होती है, अगर आपके डार्क सर्कल की समस्या है तो वो भी दूर होती है, डेड सेल्स है वो निकल जाती है, और आपकी स्किन है वो रीजनरेट होती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद और बहुत इफेक्टिव तरीका है आपकी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने का। साथ ही अगर आप टैनिंग दूर करना चाहते हो तो इससे बहुत जल्दी आपकी जो स्किन टैन है वो भी ठीक होता है, और आपकी स्किन है वो उसका कालापन भी दूर होता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है हल्दी के साथ। दूध और हल्दी का सेवन तो काफ़ी समय से किया जा रहा है, अगर आप दूध में हल्दी डाल के पीते हो तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरीके से अगर आप कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिक्स करते हो और फिर अपनी स्किन पर अच्छे से 2 मिनट तक मसाज कीजिए, जैसे आप स्क्रब कर रहे हो उस तरीके से अगर मसाज करते हो तो एक तो आपकी डेड स्किन निकल जाती है, साथ ही जो हल्दी का एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी टैनिंग गुण होता है, एंटी एजिंग गुण होता है, वो आपकी स्किन की जो एजिंग प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं, स्किन की झुर्रियाँ दूर करते हैं, झाइयाँ दूर करते हैं, दाग धब्बे दूर करते हैं, और अंदर तक आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं। तो डेड सेल्स भी इससे निकल जाती है, और 2 मिनट तक मसाज करने के बाद 10 मिनट तक उसको ड्राई होने दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये भी काफ़ी इफेक्टिव तरीका है स्किन को लाइट करने का और स्किन को गोरा और खूबसूरत बनाने का। नेक्स्ट जो तरीका है वो है बेसन के साथ। बेसन एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन की डेड स्किन को क्लीन सही करता है, साथ ही अगर आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या है उसको भी दूर करता है, कालेपन को भी दूर करता है, टैनिंग दूर करता है, और आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करता है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच बेसन लेना है और 2 से 3 चम्मच आपको कच्चा दूध ऐड करना है उसके अंदर, और थोड़ा सा नारियल का तेल, यानी कि आप 3 से 4 बूंद नारियल का तेल उसमें ऐड कर दे सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छा सा एक क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको दूध की नीड और हो, पेस्ट अच्छे से न बने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं बेसन की, तो थोड़ा सा 1 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हो। तो एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट से अपने चेहरे को पहले तो अच्छे से मसाज करनी है, जैसे कि आपने स्क्रब करते हैं वैसे अच्छे से स्क्रब करना है कुछ देर तक, 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद जितना भी आपने बेसन लगा है वो सारा निकाल दीजिए। निकलने के बाद बचा हुआ जो आपने, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना लेनी है, एक तो हम इससे मसाज करेंगे, दूसरा हम इसको फेस पैक की तरह यूज़ करेंगे। तो मसाज करके जब वो निकल जाए तब फिर आप इसको वॉश कर लीजिए, और फिर वही जो हमने पेस्ट बनाया उसको आपको अपने चेहरे पर पतला पतला करके लगा देना, अप्लाई कर लेना, और 15 मिनट तक इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ये काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी इफेक्टिव वे है आपकी स्किन को क्लीन करने का, साथ ही इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, डेड सेल्स भी आपकी निकल जाती है, और आपकी टैनिंग भी दूर होती है। किसी भी कारण से अगर आपकी स्किन है वो ब्लैक हो गई है तो वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपकी स्किन सांवली है, बचपन से सांवली है, तो भी अगर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करते हो तो वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी। स्टार्ट में 1 शेड होगा, फिर 2 शेड होंगे, और धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपकी स्किन काफ़ी हद तक आपकी लाइट हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है।
जी डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक सवाल ये है कि क्या ये जो आपने तरीके बताए हैं, इनको हम रेगुलर हमारे डेली रूटीन में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें हफ्ते में एक या दो बार इसको करना चाहिए? जी अगर आप इसको चाहे तो आप हफ्ते में रेगुलर लगा सकते हैं, और चाहे तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपना सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इससे ना आपकी स्किन डैमेज होती है, ना ही आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे, या तो टाइम नहीं है तो रात को समय सोने से पहले ये प्रोसेस कर सकते हो, या फिर सुबह नहाने से पहले आप आधा घंटा या 1 घंटा अपनी स्किन के लिए निकालिए, और उस टाइम आप ये ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप हफ्ते में 3 बार ये जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बन सके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दूध को हम किस तरीके से हमारे स्किन पे लगा सकते हैं और कैसे हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को भी समझ में आया हो कि किस तरीके से हम सिर्फ एक दूध का इस्तेमाल करके हमारी स्किन को गोरी बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं, टैनिंग दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।